अब तो पतंजलि भी अपना थीम निकाल दिया है, तो भाई लोग वीडियो बनाने से पहले कुछ रिसर्च जरूर करो। दोस्तों अभी जो चल रहा है यूट्यूब पर, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछल रहे हैं, ओपन चैलेंज भी दे रहे हैं, और कुछ यूट्यूबर्स थाली के बैंगन की तरह कभी इधर तो कभी उधर लुढ़क रहे हैं। देखा है आपने भी? जिन्होंने नहीं देखा है या इस बात को नहीं जानते हैं, वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जाओ यार पोगो देखो। देखो दोस्त, स्टेज में जाके बॉडी की पोजिंग दिखाना अलग चीज है, और एक्सरसाइज साइंस की नॉलेज रखना अलग चीज है। दोनों को अलग ही रखो तो आपके लिए अच्छा ही होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे ही होते हैं या उनको नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनको अच्छे नॉलेज है, लेकिन जो लोग इस तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उनसे दूर रहिए। तो मेरे उन सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने बहुत ही कमाल के फिजिक बनाए हैं, उनके लिए पूरे रिस्पेक्ट है मेरी तरफ से। लेकिन वो सारे बात सच बोलते हैं ऐसा नहीं है। और भाई लोग, मेरे बात पे अगर आपको यकीन नहीं है तो मत करो भाई, अब रिसर्च करो। अब तो पतंजलि भी सीम लॉन्च कर दिए है, तो भाई लोग रिसर्च करो, आर्टिकल्स पढ़ो, वीडियोस देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत। और मेरे सब्सक्राइबर मित्रों जिन्होंने मेरे वीडियोस पे डिसलाइक दिए है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे भाई वीडियो को पूरा देखो, फिर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करो। और आपने जो कहा है ब्रेकफास्ट चैलेंज, लंच चैलेंज रेसिपी बना के, तुमको क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा 5,000 रुपीज। तो ये वीडियो क्यों बनाते हो? तो देखो भाई, जो लोग ये लंच चैलेंज या ब्रेकफास्ट चैलेंज के बेसिस पे वीडियोस बना रहे हैं, 120 या 140 रेसिपी आपको मिलेंगे, क्या वो लोग पागल हैं? क्या उसके लिए ये 5,000 रुपीज मायने रखते हैं? अब बताओ। बस वो लोग अपने हीरो से एक बार मिलना चाहते हैं, एक बार उनके हीरो उनका नाम ले ले, बस उनके लिए ये काफी है, क्योंकि फैन ही बता सकते हैं उनकी हीरो की मायने क्या है उनकी नजरों में। जैसे कि मैं धोनी का फैन हूँ, तो अगर मैं लाइफ में उनसे मिल लेता हूँ, एक सेल्फी भी ले लेता हूँ, तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। मैं लोगों से जा के बोलूँगा, वाह ये देख मैं धोनी के साथ फोटो खिंचवाए है, फेसबुक पे डालूंगा, व्हाट्सएप पे डालूंगा, ना जाने क्या क्या करूंगा इसके लेके। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ही बताओ आप किसके फैन हो, कमेंट्स में बताओ। तो क्या आप अपने हीरो से मिलना नहीं चाहोगे? छोटा सा कुछ करने को दे रहा है, क्या आप वो नहीं करोगे? किसी को भी 5,000 या 20,000 रुपीज से कोई मतलब नहीं है। आप जाके पूछ लेना किसी से भी, क्या आपको पैसे चाहिए या अपने हीरो से मिलना है। सबका एक ही जवाब होगा, हीरो से मिलना है और कुछ नहीं चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस चैनल में पहली बार पधारे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करो, और साथ ही बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलो, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।